सो हेलो गाइस, मेरा नाम दीप और आप देख रहे हैं दीप फॉर्मर पेंट से। इस वीडियो में बताऊंगा कि जो बायोलॉजी के जो चैप्टर्स होते हैं वो एक चैप्टर कितने नंबर का, मतलब कितने मार्क्स से रखे जाएंगे। तो क्या होता ना कि स्टूडेंट को पता नहीं होता कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है या फिर कितना हमें लर्न करना है जिससे हमारा इतने नंबर का एवरेज निकलेगा, वो ऐसा कुछ पता नहीं होता है तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं यही प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ कि आपको यह बताऊँगा कि इस चैप्टर से आपके इतने नंबर के क्वेश्चन आने वाला है। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, मैं इस वीडियो में यही सब सॉल्व करने आया हूँ। तो बताऊँगा कि कौन सा चैप्टर किस नेम से और कितने मार्क्स का होता है और इससे कितने क्वेश्चन आने हैं और कितने नंबर के आने हैं। इस वीडियो में मैं यह प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और पास में दिया गया बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली मेरे वीडियो की प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके पास अब पहुंचे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर, ये बायोलॉजी के जो चैप्टर्स होते हैं उनमें से ये चैप्टर्स कितने मार्क्स का आने वाला होता है एग्जाम में, ये मैं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारे बायोलॉजी के चैप्टर्स में हमारा पहला चैप्टर है जीवों में जनन। जीवों में जनन और ये सेकंड चैप्टर जो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। दो, एक जीवों में जनन और पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और तीसरा है मानव जनन। और चौथा चैप्टर जो है जनन स्वास्थ्य। ये चार चैप्टर जो हैं वो हमारे बोर्ड एग्जाम में 14 नंबर के रखे जाते हैं। ये जो चार चैप्टर होते हैं, ये चार चैप्टर ये 14 नंबर में होंगे हमारे। अगर ये आप चारों चैप्टर एकदम फिनिश करके तैयार करते हैं तो आपके 14 नंबर पक्के होंगे। और उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद ये है वंशागति। पांचवा चैप्टर है बायोलॉजी में वंशागति और विविधता। वंशागति और विविधता मेंडलीय वंशागत अनुपात के विचलन, एक ये वाला चैप्टर पांचवा। और वंशागत का आणविक आधार और जैव विकास, ये तीन चैप्टर 1, 2, 3 पांचवा, छठवां और सातवां, ये तीनों आप तैयार करेंगे तब आपके होते हैं 18 नंबर। 18 अंक जो होंगे वो आपके पक्के हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। इन तीन चैप्टर से 18 नंबर का आने वाला होता है और इन चार चैप्टर से 14 नंबर का आने वाला होता है बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट जो है वो है हमारे मानव स्वास्थ्य और रोग। मानव स्वास्थ्य और रोग। और उसके बाद है नौवा चैप्टर खाद्य उत्पादन। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति, यह है चैप्टर। और उसके बाद है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये आठवां, नौवां और दसवां, ये तीन चैप्टर जो हैं वो हमारे होते हैं 14 नंबर के। मतलब कि ये तीन चैप्टर तैयार करने पर हमारे 14 नंबर पक्के हो जाते हैं। यहाँ से हमें पता लगा 14 और 18 और 14, ये टोटल नंबर, ये इतने चैप्टर तैयार करने पर आपके इतने नंबर तैयार होंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर्स है, उसके बाद हमारा 11वां चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये वाला चैप्टर जो है। और ये 12वां चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। ये दो चैप्टर अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इसमें आपके 10 नंबर पक्के हो जाते हैं, मतलब कि 10 अंक आपको प्राप्त होंगे अगर आप अच्छी तरह से इन्हें तैयार करेंगे तो। उसके बाद होता है हमारा अगला चैप्टर। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ये है 13वां चैप्टर जीव तथा समष्टियां। जीव तथा समष्टियां। उसके बाद 14वां चैप्टर है पारितंत्र। पारितंत्र 1, 2। और उसके बाद 15वां चैप्टर है हमारा जैव विविधता। जैव विविधता एवं संरक्षण। और ये तीन चैप्टर और ये चौथा चैप्टर है 16वां, मतलब कि इस ग्रुप का चौथा चैप्टर है, वैसे तो 16वां है। पर्यावरण के मुद्दे 1, 2, 3, 4।
ये चार चैप्टर अगर आप रेडी करते हैं तो आपके होते हैं जो 14 अंक होंगे वो आपके, मतलब ये चार चैप्टर अगर आप तैयार करते हैं ये 14 अंक आपके पक्के रहते हैं एग्जाम में आने के लिए, ये 14 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आप अच्छे से पूरी तैयारी करेंगे। तो टोटल हमारा तो कुल मिला के हमारा होता है 14 अंक, 18 अंक, 14 अंक, 10 अंक, 14 अंक, ऐसे मिलाकर हमारे ग्रुप वाइज इस ग्रुप के अगर आप ये चैप्टर रेडी करेंगे तो आपके होंगे 14 अंक पक्के, और इस ग्रुप के अगर आप दो चैप्टर ये तैयार करते हैं तो आपको होंगे 10 अंक पक्के, और ये तीन चैप्टर अगर आप रेडी करते हो तो हो जाएंगे आपके 14 अंक पक्के। इसी तरह से ये हमने बताया कि किस चैप्टर से और किस तरह से आपके अंक बढ़िया अंक आ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।